पीमलिक म्यूजिक की नई प्रस्तुति पीमलिक। समय समय की बात होती है कि वो राजेश खन्ना का अगरदा जब आखिरी टेम आ रहा था ना, जब उसने पूछने लगे कि सुनाओ, तो जब वो जो कहा था उठ के बोला वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, कल यहाँ कोई और था, आज कोई यहाँ और है। तो ये समय की बात भाई, लेकिन चलो कोशिश कर देते हैं। एवं दो रागनियों की करीब फरमाइश, एक इबके एक अगली बरिया, एक भजन की भी फरमाइश आ रही है। ए मेरे अरनी भाई, चुपचाप बैठा रहे, हाँ चुपचाप बैठा रहे। और देखो, हो सके स्वाद उतना ना आवे, क्यों, समय होता है, ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती चली जाती स्वाद में फर्क पड़ता चला जाता है। क्यों, क्या आप सारे तजर्बेकार बैठे हो तकरीबन, लेकिन कोशिश करेंगे आए। हर भाई जिसका भीतर होगा वो लेगा स्वाद, और जिसका भीतर का स्वाद मर रहा होगा, हम चेड़ रहा है मर जाए वो ना उसे। तो आप कुछ तो हम स्वाद देने की कोशिश करें, कुछ तुम लेने की कोशिश करियो, जब बात बनेगी ठीक है। तेरे के जोर पड़ रहा भाई, कड़े कम से कम शक्ल सुथरी ना, तो बात तो सुथरी कर ले यार। ए मेरे यार, असल में यो तो वो है, यो तो वो एक सादे मानस का जीवन में कोई, आज के टाइम कोई जीवन नहीं है, वो एक घना सादा और उसके ब्याह तय हो गया। आजकल एक लुटन खान का रहा और तो है लोगों ने के अगर रिंग सेरेमनी, दो गुठिया करा कर लिए, एक कूड़े थे गया, एक सगाई पे थे गया, तो ब्याह तय हो गया, कागे तो मेरा आ गया, बोला भाई छोरे ने गया ले लिया यो ठीक है। इब ले गए और जब वो चाह पानी तो फारिग हो लिए ना, जब वो एक सैना मानस ने बोला भाई एक काम करो के अगर दे गई छोरे और छोरी ने ना, थोड़ी बार एक अलग कमरे में बैठा दो, क्या होगा अगर आपस में बोल बतला लेंगे, कल न कोई सा क्वेश्चन उलाना ना देगा, जूत ना बाजेगा। बोला ठीक है दादा, इब के करया वो दोनों एक अलग कमरे में बैठा दिए, इब बैठा दे दिए, छोरा ने उन मुंह करे बैठा, छोरी ने उन मुंह करे बैठिया, आध घंटा हो गया, कोई सा कोई तो बोल ले ना, फिर वही सब पीस था ना, उसने उसने मारी मत डाकी ने, पर सादा था ना, न्यू बेराय ना था, के कहना के बतलाना है। वह छोरी मुंह फेरे बैठी थी ना, उसके मार्ग खोए बात ने बोला आ बेबे का बाण भाई हो तुम, इवा भी तो हरियाणे की इतना असली थी, के कया अग मन वो जो बेबे का बाण भाई हो, न बोले भाई पहला तो तीन थे, तू आ गया चार हो गए, तो ये तो वो है क्या करेंगे। तो आइए भाई, एक पहले एक भजन की फरमाइश वो, और उसके बाद फिर भाई ने जैसा भी जो फरमाइश करी है, पहले ही भजन कौन से की फरमाइश की बताते लोग, वो मीरा बाई रोजाना भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने के लिए जाती थी। एक दिन की बात के उसके पिता राजा मृत भूख निकल लगे, बेटी ये तू कित जा करे, कहती है कि पिताजी मैं भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला के आती हूँ। ने बोला बेटी झूठ बोल रहे, क्यों हे मीरा, पत्थर कभी दूध नहीं पीते। कि नहीं पिताजी, मैं जिस वक्त दूध लेके जाती हूँ उसी वक्त पी लेते हैं। ने बोला नहीं बेटी, अकर
कि मेरे सामने जो दूध पिला के दिखावे तो मैं तेरी भक्ति को सच्ची मानू, तेरे प्यार को सच्चा मानू। न बोली ठीक है पिताजी जी, बाप का आदेश होगा, मैं दूध पिला के दिखा दूंगी। तो लोगों एक दिन की बात, सारा शहर मंदिर में इकट्ठा हो जाता है और मीरा देख कर आगा के लिए बेटी आज मौका है दूध पिला के दिखा। तो बताते हैं उस दिन जब वो दूध का कटोरा मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के मुख पर लगाया तो उस दिन दूध पिया कोई नहीं। मीराबाई बड़ी दुखी हुई, कहती है प्रभु आपने तो बड़े बड़े पापियों का भी उद्धार किया, मुझ दासी को क्यों बिसार दिया, ऐसा ना करो, जल्दी से आओ दूध पियो, नहीं तो आपके और मेरे प्यार की बदनामी हो जाएगी। वो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ के स्तुति करती है। आई कैसे मान करके गई, बार बार धन्यवाद है। छोटे भाई नरेश जलालपुर से जो अभी बड़ा आपका अच्छा मनोरंजन किया था, 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, भाई का बार बार धन्यवाद। बोली ओ कृष्ण जी मान सम्मान करते हैं। 200 रुपए से मेरे भाई ने मान सम्मान किया। ये चंदन एमसी सफीदों से ये भी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। क्या कहते कलिमा बला हा? Oh,
₹100 के मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और ये पी मलिक जो आज के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, भाई ₹100 के मान सम्मान करते हैं, भाई का बार बार धन्यवाद। और ये भावी सरपंच आप रामभर जी, ये भी ₹100 के मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। ये भाई कुलदीप ठेकेदार जी ₹100 के मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और ये आदरणीय मास्टर खुशी राम जी काफी रुपए पहले ₹200 जो और मान सम्मान करते हैं, मास्टर जी का बार बार धन्यवाद। ये भाई ₹100 से मान सम्मान और करते, सौ पहले दिया, बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। चैनल की मालिक ₹100 से मान सम्मान करते हैं, भाई का बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। ये मेरे भाई मनीष फोटोग्राफर पीलू खेड़ा मंडी से ₹100 से मान सम्मान करते हैं, भाई का बार बार धन्यवाद। ये मेरे भाई तेजा पंडित जी हाट गांव से ₹200 के मान सम्मान करते हैं, पंडितों का बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। तीसरी कली में केक लगी भरा, सारी हो माता सी सुधारी,
फरमाइश करी।